माता और पुत्र के प्रेम की प्रतीक है सकंद माता। आज के दिन ना केवल साधक उनका ध्यान करते हैं बल्कि अपनी जननी की लंबी आयु की कामना भी करते हैं। तब तो मैं आपकी लंबी आयु की कामना करूंगा माती। आपने मेरी प्राणों की रक्षा की, इस प्रकार आप मेरी रक्षक माता हुई। स्कंद माता का ध्यान मंत्र है, सिंहासन गता नित्यम पदा स्थित्र कर दया, शुभ दास्तो सदा देवी स्कंद माता यशस्वनी। माँ ये कौन है? डरो मत कुमार, ये तुम्हारे भ्राता जैसे ही हैं। यदा ये मेरे भ्राता हैं, तो फिर माँ मेरी पूछ क्यों नहीं? क्योंकि मैंने दूसरी माँ से जन्म लिया। अच्छा, तो आपके माता के भी पूछे? नहीं मित्र, किंतु आप मुझे बताओ कि आप अब तक कहाँ थे? मैं तो मानसिक बाबा के पास ज्ञान अर्जन हेतु गया था। अच्छा? हाँ, आज उन्होंने मुझे ऋग्वेद पढ़ाना आरंभ किया है। चलो कुमार, अब भोजन कर लो और भ्राता हनुमान को थोड़ा विश्राम करने दो। देखते नहीं उन्हें कितने घाव हैं। आपको घाव कैसे लगी है भ्राता? कुमार, विश्राम नहीं माते, मैं स्कंद माता की गुफा ही तो प्रस्थान करूंगा। अरे पुत्र, तुम तो अभी पूरी तरह से स्वस्थ भी नहीं हुए हो। देवी के नौ रूपों की साधना तुम यहाँ मेरे पास रहकर भी तो कर सकते हो। मैं आपकी चिंता हेतु आपका बहुत आभारी हूँ माते, किंतु आप मुझे स्कंद गुफा का मार्ग बताएं। यहाँ से पूर्व दिशा में 10 माइल दूर। धन्यवाद माते, अब आप मुझे आज्ञा दीजिए। भेजने का मन तो नहीं कर रहा, किंतु संभवतः तुम्हारा उद्देश्य और कर्तव्य मेरे निवेदन से कहीं अधिक है। मार्ग के लिए भोजन दे रही हूँ और औषधि भी। भोजन के उपरांत औषधि जरूर ले लेना। चिरंजीव भव। न जाने देवी आज कहां चली गई, कदाचित कोई बड़ा प्रयोग करने गई, तभी तो उन्हें इतना विलंब हो रहा है। न जाने उनके मन में क्या चल रहा है। प्रभु, देवी आप कहां चली गई, आपने बहुत विलंब कर दिया। एक बड़ा प्रयोग करके आई हूं प्रभु। क्या उस प्रयोग के विषय में आप मुझे बता सकती हैं? मात्र इतना जान लीजिए कि हनुमान की आज की परीक्षा का समय हो गया है। सिंहासन गता नित्यम पद्मसित कर द्वया, शुभदास्तु सदा देवी स्कंद माता यशस्विनी। सिंहासन गता नित्यम पद्मसित कर द्वया, शुभदास्तु सदा देवी स्कंद माता यशस्विनी। सिंहासन गता नित्यम पद्मसित कर द्वया, शुभदास्तु सदा देवी स्कंद माता यशस्विनी। माँ, क्या हो गया? माँ, 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 माँ कुछ बोलिए ना। माँ क्या हो गया आपको?
माफ हो जाओ मामा। देवी, तपस्विनी के पास सर्प आपने भेजा था? मैंने कहा था ना आपको, स्कंद माता के रूप में परीक्षा की तैयारी करके आई हूं, और ये उसी का पहला चरण है। अरे कुमार, क्या हुआ? माता की प्राण संकट में आपको बुला रही है। क्या? चलो चलो। मम अंतर्दृष्टि जागृतम। हनुमान, हनुमान! शुद्ध चक्र की शक्ति से माता को अभी स्वस्थ कर देता हूँ। मुझे भेंट दो हनुमान। मुझे क्षमा कर दे माता, किंतु आपको भेंट देने से अधिक आवश्यक कार्य इनकी प्राण बचाना है। मुझे क्षमा कर। उधर महल में तुम्हारी माँ को भी हृदय घात हुआ है। चलो माना कि भेंट देने से अधिक आवश्यक है किसी की प्राण बचाना, किंतु तुम अपनी माँ को छोड़कर किसी ऐसी स्त्री की जान बचाना चाहते हो जिसे तुम ठीक से जानते भी नहीं। यदि मेरी माँ को कुछ हो गया तो मैं नहीं जानता कि मैं कुछ सहन कर पाऊंगा या नहीं, किंतु मेरे आसपास तो मेरे पिताजी, मेरे गुरुजन, सभी राज्य के निवासियों भी मेरे आसपास हैं। किंतु कुमार का क्या होगा? इसकी तो इस दुनिया में इसकी माँ है, मात्र एक इसका सहारा है। यदि इसकी माँ ही जग छोड़कर चली जाए तो इस नन्हे से बालक का क्या होगा माते? क्या होगा माते? तुम्हारी माता के उपरांत तुम्हारा पोषण कौन करेगा हनुमान? जननी से उच्च रक्षक का पद होता है माता। मैं क्षमा चाहता हूँ यदि मैं आपके भी हृदय को कष्ट पहुंचा रहा हूँ तो, किंतु अभी मेरा कर्तव्य कुमार की माता को स्वस्थ करने की तरफ प्रेरित कर रहा है। यशस्वी भव हनुमान।
मेरे बस में जो भी होगा मैं तुम्हारी माता को बचाने के लिए वो अवश्य करूंगा। तुम तो सकन माता की साधना के लिए निकले थे ना? हाँ माता, निकला तो था, किंतु माता आपको पता है इन्होंने अपनी ग्रीवा से कुछ तेज पुण्य निकाला और आपके मुख में डाल दिया और आप ठीक हो गए। क्या ग्रीवा से? विश्वधर चक्र, हे प्रभु, पुत्र तुमने ये क्या किया? मुझे बचाने के लिए तुमने अपनी अक्षय स्वास्थ्य की शक्ति खो दी। माते, जिस पुत्र का जीवन उसकी माँ को बचाने में लग जाए उस पुत्र का जीवन धन्य हो जाता है। माते, ये तो मात्र एक विशुद्ध चक्र की शक्ति थी और ना जाने क्यों इस शक्ति का प्रभाव मुझ पर रहा ही नहीं। अन्यथा घाव या ज्वर कैसे होते? माते, तुम सचमुच महान हो। मामा, आपको पता है दाता ने अपनी माँ को छोड़कर आपकी जान बचाई। आपको पता है दाता ने अपनी माँ को छोड़कर आपकी जान बचाई। मुझे एक बार ये पता करना है कि मेरी माँ कैसी है। पुत्र, चलो मेरे साथ। क्या बात है दीदी, आपके चेहरे पर छाई मुस्कान बता रही कि आप हनुमान की कर्तव्य प्राणता से बहुत ही प्रभावित और प्रसन्न है। हाँ प्रभु, मुझे लगा था कि हनुमान अपनी माँ से इतना प्रेम करते हैं कि वे अवश्य ही प्रेम और कर्तव्य में से प्रेम को ही चुनेंगे, किंतु हनुमान ने कर्तव्य को चुनकर ना केवल मुझे सिर्फ प्रसन्न किया है अपितु चौंका भी दिया है। इसलिए तो उनका नाम हनुमान देते। हाँ प्रभु, अब मुझे लगने लग गया है कि हनुमान आपके अंश के लिए सही चुनाव है। तो देवी, क्या अब आप हनुमान की माता अंजना से
अपना आघात प्रभाव हटाने की कृपा करेंगे। अंजना, 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 अंजना। स्वामी, आप यहाँ धरा पर क्यों बैठे पिए? मैं यहाँ धरा पर कैसे? मुझे मुझे कुछ भी याद नहीं स्वामी। मुझे बस इतना ही याद है कि पवन देव ने हनुमान के समाचार दिए थे कि वो ठीक है। बस उसके बाद मुझे कुछ भी याद नहीं स्वामी। उठिए। आपको ये भी याद नहीं कि मैंने आपके हट पे आपको डांट दिया था? मैं तो उसके लिए आपसे क्षमा मांगने आया था अंजना। जिस प्रसंग के बारे में मुझे ज्ञान ही नहीं, उसके बारे में क्षमा मांगने का क्या उचित है स्वामी? इसका तात्पर्य यह है कि आप अभी भी क्रोधित हैं हम पर? नहीं नहीं स्वामी, मैं सत्य कह रही हूँ। मुझे किंचित भी भान नहीं कि आप कक्ष से कब गए, मैं धरा पर कब गिरी और मेरी चेतना कब लुप्त हुई। आप हनुमान के विषय में इतना विचार कर रही थी कि आपको किसी की बात पर विश्वास नहीं था कि हनुमान सकुशल है। किंतु अब मेरा हृदय कह रहा है कि मेरा लाल ठीक है, कोई माँ की तरह ही उनके साथ है। मैं यहाँ से आगे नहीं जा सकती पुत्र। क्यों माते? मानसिक बाबा रात्रि में स्त्रियों का मुख नहीं देखते। हठी हो गए हैं क्या? नहीं, मानसिक बाबा पीत शक्तियों के स्वामी हैं। कदाचित यहाँ से आगे वही तुम्हें तुम्हारी माता के विषय में बताएंगे। ठीक है माते, मैं उनसे मिलकर आता हूँ। आप मेरी प्रतीक्षा करेंगी? नहीं पुत्र, कुटी में कुमार अकेला है, मैं उसके पास जाती हूँ। तुम अपने उद्देश्य में सफल रहो हनुमान, मेरा आशीष सदैव तुम्हारे साथ है। ओम ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विद्महे स्वाहा। ओम ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विद्महे स्वाहा। ओम ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विद्महे स्वाहा। ओम फट स्वाहा। ओम फट स्वाहा। ओम ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विद्महे स्वाहा। ओम फट स्वाहा। ओम ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विद्महे स्वाहा। ओम फट स्वाहा। ओम फट स्वाहा। मानसिक बाबा, कौन है तू और यहाँ क्यों आया है? प्रणाम मानसिक बाबा, मैं कुमार का मित्र हूँ और मैं आपसे कुछ पूछने आया था। तू सुमेरु का प्राणी है, हनुमान नाम है न तेरा? अपनी माता अंजना के विषय में प्रश्न करने आया है। बाबा, आप तो अंतर्यामी हैं। आ बैठ।